इसके बाद हम लोग कॉलेज पहुंचे, एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने सुना तो बहुत था लेकिन कभी देखा नहीं था। वहां पर बहुत मिलनसार लोग थे जो गले लगा के इज्जत देते थे, एकदम किसी सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आती थी। हर दूसरा लड़का हाथ मिलाकर बोलता था, एक कागज का टुकड़ा हाथ में पकड़ाकर बोलता था, भाई को याद रखना। मुझे समझ नहीं आया, उसकी तरफ उंगली दिखा करके मैंने माधव चौधरी से पूछा, मैं इस भाई को क्यों याद रखूं? वो अलग बात है कि हर भाई से मैं पीछे से चिल्लाकर पूछता था कि भाई नाम तो बता दे, याद रखने के लिए नाम तो पता होना चाहिए ना, और वो पीछे से जवाब देता, अभी जो कागज दिया उस पर लिखा है। दरअसल ये लोग युवा छात्र नेता थे जो यहाँ पर चुनाव लड़कर अपना भविष्य बनाना चाहते थे, क्योंकि इन बेचारों से पढ़ाई तो होती नहीं थी और यहाँ अपने माता पिता का पैसा चुनाव के प्रचार प्रसार में बर्बाद कर रहे थे। यहाँ चुनाव एक आदमी लड़ता था लेकिन उसके साथ में पूरी पलटन लेकर चलता था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये साथ चलने वाले लड़कों को मिलता क्या है ये सब करने में। यूनिवर्सिटी से सभी छात्रों को कहा गया है कि कोई भी छात्र अपने चुनाव के प्रचार में 5,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं करेगा, लेकिन असल में ये लोग अपने प्रचार में 50,000 से 1,00,000 रुपए तक खर्च कर देते। और इन्हीं नेताओं में से एक नेता मेरा दोस्त बन गया जिसका नाम था आदिल हुसैन, जिससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई क्योंकि उस आदमी ने मेरी मदद की थी। आदिल हुसैन बड़े अच्छे दिल का लड़का था जिसके बड़े भाई अनवर हुसैन बहुत सालों से यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। दोनों भाई नए आए छात्रों की बहुत मदद करते थे। मुझे क्लास तक वही लेकर गया था, सुबह 11 बजे का टाइम था, उसने मुझे क्लास के सामने छोड़ा और बोला, कबीर भाई ये आपकी क्लास है, कहकर वो चला गया और मैं क्लास के अंदर गया। पूरी क्लास खाली थी, इसमें लगभग 30-40 बच्चों के बैठने की जगह फर्नीचर था लेकिन सिर्फ दो ही लड़के बैठे थे। मैंने उन दोनों से हाथ मिलाया, अपना नाम बताया और उनमें से एक बोला, भाई इंग्लिश लिटरेचर की क्लास तो अभी 10 मिनट पहले ही हो गई, आप तो लेट हो गए। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। आशीष योगी। और उनका? मैंने दूसरे वाले का पूछा। वो बंदा आगे हाथ बढ़ाकर बोला, जी मैं दिपेश चंदेला। इसके बाद मैंने उनके पूछे बिना ही अपना नाम बता दिया, कबीर कुरैशी। जिसे सुनकर वो मुस्कुराए और वापस अपने बातों में लग गए। मुझे लगा जैसे इन दोनों को मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं उठकर वहां से जाने लगा, पीछे से आशीष मुस्कुरा कर बोला, कबीर आप कल आओ, साथ में क्लास लेंगे। पता नहीं क्यों उस मोमेंट इस लड़के को देखकर ऐसा लगा जैसे इसकी आंखों में सच्चाई दिखती है और ये मेरा बेहतर दोस्त बन सकता है इस कॉलेज में। इसके बाद मैंने गेट पर लगे चार्ट में देखा कि मेरी अगली क्लास कौन सी थी, पॉलिटिकल साइंस, जो कि 5 मिनट में शुरू होने वाली थी। मैं भागता हुआ क्लास की तरफ गया। जिस क्लास में भागते भागते जब पहुंचा तो वहां पर एक टीचर पहले से मौजूद पढ़ा रहा था। मैं लेट हो गया था तो लगा शायद ये डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मुझे प्यार से अंदर बुलाया। अंदर गया तो बहुत सारे लड़के ध्यान लगाए गुरुजी को सुन रहे थे। मेरी इंग्लिश की क्लास में इतने बंदे नहीं थे जितने इस क्लास में थे। गुरुजी लोकतंत्र के बारे में बता रहे थे। जब गुरुजी बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख रहे थे लोकतंत्र, तभी मैंने बीच में हाथ उठा दिया। वो पलटे, देखा 8-10 लंबे लंबे लड़कों के बीच में एक हाथ उठा ऊपर नीचे इशारे कर रहा था। क्या समस्या है तुम्हारी? गुरुजी ने बड़े प्यार से पूछा। जी वो मैं सबके सामने नहीं बता सकता, मैंने उनसे कहा। तो क्या घर लेकर चलूं तुम्हें? गुरुजी ने बड़े प्यार से बोला, जिसे सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अगले पल गुरुजी का मजाक बने, इसलिए मैंने अपनी जगह से उठकर उनके पास जाकर कान में कुछ फुसफुसाया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। मेरी बात सुनने के बाद गुरुजी वापस बोर्ड के पास गए, पलटे, किताब साइड में रखी, दोनों हाथ आगे करके थोड़ा झुके, फिर अचानक से उछके थोड़ा सा ऊपर हवा में। लोकतंत्र का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस दिन गुरुजी से इस तरह कूद कर अपनी पैंट की जिप बंद करने का एक नया तरीका मैंने सीखा था। जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं बाहर निकला तो देखा कुछ लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। तू क्या कर लेगा, वह तू क्या उखाड़ लेगा, ऐसे गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दो लड़के आपस में लड़ रहे थे, जिनको देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। मैं भी उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा, नज़ारा देखने लगा। तभी उस भीड़ में एक लंबा सा सफ़ेद कुर्ते में भूत की तरह एक आदमी आके खड़ा हो गया। ये आदमी नहीं था, ये लड़का था। तक जितने भी चेहरे देखे थे, जितने भी गरीब चेहरे देखे थे, सबसे ज्यादा गरीबियत इस चेहरे पर देखने को मिली। उस लड़के ने आगे आते ही उन दो झगड़ते हुए लड़कों के कंधों पे हाथ रख के उनको शांत करवाया और बोला, ए मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों, कहकर उन दोनों लड़कों को अपनी छाती से चिपका लिया। और उसके ऐसा कहते ही वो दोनों लड़के आपस में लड़ना भूलकर अच्छे दोस्त बन गए। और उसके बाद धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, ऐसे नारे पूरे कॉलेज में गूंजने लगे। मैं वहां हाथ बांधे सारा सीन देख रहा था। मैंने वहां खड़े एक लड़के से पूछा कि कौन है ये देवता। तभी पीछे से एक आवाज आई, देवता नहीं राक्षस बोलो, राक्षस। मुझसे करीब उम्र में 2 साल बड़े लड़के ने मेरे पीछे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।
इस लड़के का नाम था वीरेंद्र कुद्दी, बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर सेकंड ईयर का स्टूडेंट। उसने बोला कि भाई ये इन्हीं छात्र नेताओं में से सबसे चालाक छात्र नेता है धर्मेंद्र चौधरी, ये इसका हर साल का नाटक है। तूने ये जो दो लड़कों को लड़ते हुए देखा ना, ये दोनों इसी के लड़के थे। हर साल ये फर्स्ट ईयर के लड़कों के सामने नाटक करते हैं ताकि वोट बटोर सकें, हर साल का नाटक है इनका। उनकी ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि लेकिन सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चों के सामने क्यों? मेरे कंधे में हाथ डालकर मुझे आगे ले जाते हुए बोले, देख फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा वोट डालते हैं, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के बच्चे तो कॉलेज नहीं आते, वोट क्या डालेंगे। उन्होंने मुझे इस छात्र नेता धर्मेंद्र चौधरी की कमीनेपन के बारे में सब कुछ बताया और बड़े ध्यान से मैंने सारी बात सुनने के बाद में कहा, वीरेंद्र भैया, आपका नाम वीरेंद्र भैया है ना, अगर आप मेरा साथ दो तो एक मस्ती करते हैं क्या, उन्होंने मुझसे पूछा। और उसके बाद अगला सीन ये था कि धर्मेंद्र चौधरी अपने रियल चमचों के साथ में आ रहा था और नारे लग रहे थे, धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद। और उन सब के आगे आगे हाथ जोड़े धर्मेंद्र चौधरी गरीब जैसी शक्ल बनाकर चल रहा था। आगे आ गया, कभी चल शुरू करते हैं, वीरेंद्र भैया ने उतावला होकर मुझसे कहा, हाँ चलो शुरू करते हैं। और इसके बाद हमारे डायलॉगबाजी शुरू हुई, कबीर तू हिम्मत रख सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे रखूं वीरेंद्र भैया यार, कहाँ से लाऊं इतने पैसे, कितने की ज़रूरत है, 3,000 रुपये की, ले तू 500 तो मुझसे ले ले, बाकी मैं धर्मेंद्र चौधरी से बात करूंगा, देवता आदमी है वो, तेरी मदद ज़रूर करेगा, ले देख वो आ गए। के हो या? धर्मेंद्र चौधरी ने आते ही पूछा, क्या बताऊँ धर्मेंद्र भाई, इस बेचारे लड़के को 3,000 रुपये की ज़रूरत है, किताबें बड़ी महंगी पड़ रही है, गरीब लड़का है, 500 तो मैंने दे दिए, 2,500 की ज़रूरत है, कहकर वीरेंद्र भैया ने मेरी तरफ इशारा किया। वो कैरेक्टर में एकदम घुस चुके थे। अब धर्मेंद्र चौधरी फर्स्ट ईयर के लड़कों के बीच में एकदम घिरा हुआ था। उसने एक नज़र अपने आसपास के लड़कों पर घुमाई जो कि पतले पतले मुंह से उसको उम्मीदों से ताक रहे थे। वो शायद सोच रहे थे कि अब उनका देवता क्या करेगा। फिर देवता हल्का सा मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए उसने ना चाहते हुए भी अपने सफेद कुर्ते की जेब में हाथ डाला, 2,500 रुपये निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे आज भी याद है वो 1,000 का नोट था और 3 5,500 के नोट थे। उसने उन नोटों को कस के पकड़ रखा था जैसे वो देना ही नहीं चाहता। मैंने उसे पैसे लेने की पूरी कोशिश की लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर उसकी आंखों आंखों में बोला कि अब तो मेरे हाथ में आ गए, अब नहीं छोड़ूंगा। मैंने जोर लगाकर उससे पैसे छीने और नोटों को गिनते हुए एक जोर का नारा लगाया, धर्मेंद्र चौधरी जिंदाबाद, धर्मेंद्र चौधरी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, धर्मेंद्र चौधरी जैसा हो। इसके बाद अपना गरीब सा मुंह लिए धर्मेंद्र चौधरी आगे बढ़ गया और इसके बाद वीरेंद्र भैया और मैं एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और जोर जोर से हंसने लगे। क्या बात है वीरेंद्र भैया यार, अब एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो, मैं हंसता हुआ बोला। कबीर भाई शेक्सपियर के ड्रामा पढ़ रखे हैं, आखिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का कुछ तो फायदा हो। अच्छा मतलब आप भी इंग्लिश लिटरेचर से हो, मैं थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। हाँ सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स। अच्छा ये आपकी एक्टिंग का राज है, ये लो आपकी एक्टिंग के 1,000 रुपये आपके हक के और बाकी के पैसे मैं रखूंगा क्योंकि आइडिया मेरा था। हाँ कहकर पैसे मैंने अपनी जींस की जेब में डाल दिए और हम जोर जोर से हंसने लगे। और ऐसे दोस्ती हुई मेरी वीरेंद्र कुलदीप से। शाबाश आपने तो मुझे अपना फैन बना लिया सर, मेरे पीछे से एक आवाज आई किसी लड़के की। दरअसल जब हम लोग ये कारनामा कर रहे थे तो उन्हीं लड़कों की भीड़ में से एक लड़का खड़ा हमें गौर से देख रहा था। उस लड़के को ताल पे कुछ काला सा लगा और वो हमें पीछे से पैसे बांटता हुआ देख रहा था। इस लड़के का नाम था सोनू, सिर्फ सोनू, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं, सिर्फ सोनू, जो हमारे साथ आकर पेड़ के नीचे बैठ गया और हमारे साथ में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। इस लड़के से मिलने के बाद ही इससे दोस्ती हो गई, इसको मैंने सोनू भाई बोलना शुरू कर दिया, ज्योग्राफी ऑनर्स फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। ऐसे ही हम तीनों में गपशप होने लगी, बातें होने लगी, तभी वीरेंद्र भैया चुप हो गए और सामने की तरफ देखने लगे। सामने से गुजरते हुए एक लड़के को देखकर इशारा करते हुए बोले, देखो कबीर उस लड़के का नाम है विक्टर, विक्टर डिसोजा, भाई एक नंबर का स्मार्ट लड़का है, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स का, 2 सालों से पूरे कॉलेज में टॉप कर रहा है और किसी को भाव तक नहीं देता भाई, सिवाय लड़कियों के, क्योंकि इस कॉलेज में है नहीं। पता नहीं साले को किस बात का घमंड है, टीचर्स हमेशा इसकी गाते रहते हैं। तभी अचानक ओए विक्टर कहकर मैंने चिल्लाया, अबे क्या कर रहा है तू, बुला क्यों रहा है? वीरेंद्र भैया मुझे चुप कराते हुए बोले। उसने एक नज़र हमारी तरफ देखा और कोई ध्यान नहीं दिया, आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं फिर से पीछे चिल्लाया, ओए विक्टर डिसोजा इधर आना यार। अब की बार वो गुस्से में हमारे पास आया और बोला, व्हाट क्या चाहिए? यार तुम विक्टर डिसोजा हो ना? मैंने उससे पूछा। हाँ हूँ। तो
उसने रूखेपन से जवाब दिया, यार आपके बारे में मैंने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा है ना सोनू भाई। मैंने मुस्कुराते हुए सोनू भाई से पूछा, हाँ हाँ विक्टर डिसोजा की किससे कहानियां? सोनू भाई मुस्कुराता हुआ मजाक के अंदाज में बोला। विक्टर डिसोजा आसमान की तरफ देख के सोचने लगा कि साला मैं किताबों में कब से छपने लगा। उसको ज्यादा देर नहीं लगी ये समझने में कि हम लोग उसका मजाक बना रहे थे। यू मॉरन्स, विक्टर ने गुस्से में बोला, कहकर वो जाने लगा। अच्छा वो इशिका तेरा नंबर मांग रही थी? मेरे इतना बोलते ही उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं बोला कि विक्टर तुम्हें अगर कॉलेज में मिले तो उसका नंबर मांगना, ऐसा वो बोल रही थी। विक्टर ने हम तीनों को घूर कर देखा और अंग्रेजी में कुछ बोलकर चला गया। इतना तो पता था कुछ अच्छा बोल के नहीं गया, गाली देखे गया। लेकिन कौन सी, ये जानने के लिए मैंने वीरेंद्र भैया की तरफ देखा। ये कौन सी गाली देखे गया है वीरेंद्र भैया, जरा ट्रांसलेट करके बताना। वीरेंद्र भैया थोड़ा सोचते हुए बोले, वो बोलकर गया कि सालों मुझसे दूर रहो वरना रगड़ दूंगा तुम तीनों को, बिजली का नंगा तारों में हाथ मत लगाना। अरे ऐसे कैसे रगड़ देगा, बाप का माल है क्या? मैंने गुस्से में कहा। हैं? इतना लंबा तो वो बोला ही नहीं, सोनू भाई ने बोला। अरे भाई ये अंग्रेजी है, छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े मतलब होते, वीरेंद्र भैया हमें समझाते हुए बोले। हमें समझ आ रहा था कि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा रहा मेरे कॉलेज का पहला दिन, जिसमें कोई पढ़ाई तो हुई नहीं लेकिन 1500 रुपए मैंने कमा लिए। वीरेंद्र भैया बोले, तो विक्टर बड़ी टेढ़ी चीज है बेटा, दूर ही रहिए उससे। इसके बाद हम लोग कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकले। जब मैं बाहर निकला घर जाने के लिए तो मेरे कंधे पर किसी का हाथ मुझे महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो पीछे विक्टर खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखकर पहले तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, फिर मैं डर गया। उसने पहला सवाल मुझसे पूछा, कौन इशिका? अब भाव खाने की बारी मेरी थी। मुझे नहीं पता। अरे अरे बताना यार, विक्टर पीछे पीछे देसी पने पे उतर आया। पहले फर्स्ट ईयर के नोट्स दो फिर बताऊंगा, कहकर मैं आगे बढ़ने लगा। वो पीछे पीछे आता हुआ बोला, कल ले लेना यार, ये मेरा नंबर ले, इशिका को दे देना और उसको बोलना रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में मुझे कॉल करे, विक्टर उसका इंतजार करेगा। और ऐसा करके विक्टर के मुझे नंबर मिल गए, जिससे इशिका बनकर मैं बात करने लगा। रात को 10:10 पर मैंने उसे मैसेज किया इशिका बनकर और प्रोफाइल फोटो हटा ली थी। सुबह होते ही कॉलेज में मैंने सारी बात सोनू भाई और वीरेंद्र भैया को बताई, जिसे सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी सामने से विक्टर आ रहा था, हाथ में फर्स्ट ईयर के नोट्स लिए मुस्कुराता हुआ। उसने वो नोट्स मेरे हाथ में दिए और मुंह से उसके निकला, थैंक्स कबीर। अरे अरे इसमें थैंक्स ही क्या बात है, थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए विक्टर भैया। ओ कबीर, कहकर वो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। लेकिन कबीर अब तू इससे छुटकारा कैसे पाएगा, ये तो तुझे इशिका समझ समझ के आधी रात को फोन करेगा, परेशान करेगा, सोनू भाई बोला। उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है, कहकर मैंने वीरेंद्र भैया से उनका फ़ोन मांगा और विक्टर के फ़ोन पर फ़ोन लगाया। थोड़ी देर तक घंटी जाती रही और उसने फ़ोन काट दिया। 3-4 बार फ़ोन लगाने के बाद में उसने फ़ोन उठाया तो उसने बोला, हेलो कौन, क्यों परेशान कर रहे हो? क्या बाप, बहुत चर्बी आ रही है तेरे को, फ़ोन काहे को नहीं उठा रहा रे, भारी आवाज़ में मैंने उससे बोला। हु इज़ दिस, व्हाट डू यू वांट, विक्टर ने बकरी जैसी आवाज़ में बोला। तेरा बाप बोल रहा है झापड़ी के मोहम्मद अली, इस जास्ती अंग्रेजी बिंग्रेजी मेरे को मत सिखा। लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, उसने बकरी जैसी आवाज में बोला। अरे अपन सुने ला है तू आजकल अपनी बहन इशिका से बहुत बात करने लगा है बाप, बहुत डेरिंग है रे तेरे में, बोल शादी मनाएगा गैंगस्टर की बहन से? विक्टर डर गया, ऊपर से नीचे तक नीला पड़ गया और उसने बोला, सर मैंने तो कल रात से बात करना शुरू किया, वो भी व्हाट्सएप पर। वो तो तेरे को तब समझ में आएगा जब तेरे अंदर दो बुलेट डालेगा ना अपन। यहाँ सोनू भाई और वीरेंद्र भैया अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने हंसने की आवाज़ रोक रहे थे। मैं उनको मुंह पर उंगली रखकर बार बार इशारा करके चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। सर सर आपकी बहन मतलब मेरी बहन, अब मैं उससे कोई बात नहीं करूँगा, कहकर विक्टर ने फ़ोन काट दिया और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और मैंने बोला, अच्छा भैया अब मैं चलता हूँ, देखो मेरी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास शुरू हो गई होगी, प्रोफेसर साहब आ गए होंगे। अब दोनों जने मेरे साथ क्लास लेने तो नहीं जा रहे थे, इसलिए वो बातें करने लगे। और इसके बाद मैं अपनी क्लास में पहुंचा। जहां पहुंचकर देखा तो क्लास चालू हो चुकी थी, लगभग 12 बच्चों के बीच में प्रोफेसर साहब नहीं बल्कि प्रोफेसर साहिबा पढ़ा रही थी। इतनी खूबसूरत, आहा कैसे बन जाते हैं ऐसे लोग इतनी छोटी सी उम्र में प्रोफेसर। दरवाजे पर खड़ा मैं अपनी खूबसूरत टीचर को देखकर खो गया। अंदर आओगे, आवाज़ आई। जी, मैं होश में आता हुआ बोला। सर्कस चल रही है क्या, क्लास है,
इंग्लिश के स्टूडेंट है तो अंदर आ जाइए वरना आगे बढ़िए। मैं अंदर आकर एक पतले से लड़के को धक्का देकर अपनी जगह बनाकर बैठ गया मैडम को देखता देखता, और वो बेचारा दो कुर्सियों के ऊपर अपनी तशरीफ का बैलेंस बनाकर बैठ गया। वो मेरे कॉलेज का दूसरा दिन था और क्लास में इंग्लिश लिटरेचर का इंट्रोडक्शन चल रहा था। मुझे नहीं पता था दूसरे ही दिन कॉलेज इतना खूबसूरत लगने लगेगा। वो हमें बड़ा खूबसूरती से इंग्लिश लिटरेचर के बारे में समझा रही थी। मुझे इस खूबसूरत माहौल में बस एक ही चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। ठीक बीचों बीच वाली सीट पर एक लड़का बार बार मैडम मैडम कहकर प्रोफेसर साहिबा को परेशान कर रहा था और मुझे भी। पहली बात खत्म होने से पहले ही मैडम कहकर वो दूसरा सवाल डाल देता। मुझे तो लग ही नहीं रहा था जैसे उसके सवालों की बारिश खत्म होने वाली है, लेकिन प्रोफेसर साहिबा को उसके सवाल बड़े पसंद आ रहे थे। मैंने दूर बैठे आशीष को इशारा करते हुए पूछा, कौन है भाई ये? वो इशारे इशारे में बोला, पता नहीं साला, जब से क्लास शुरू हुई है मैडम मैडम खत्म ही नहीं हो रहा, इसका सवाल बंद ही नहीं हो रहे। आखिर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज का डिस्क्रिप्शन शुरू हुआ और उसके खत्म होने के बाद में क्लास भी खत्म हो गई, और एंड में मैडम ने सबसे पूछा, किसी का कोई सवाल? पूरी क्लास में एक का भी हाथ नहीं उठा। ओके देन, कल मिलते हैं इसी टाइम। लेकिन मैं बिना हाथ उठाए कैसे रह जाऊं? वो बस किताब उठाकर जाने ही वाली थी कि उन्होंने देखा पीछे से एक हाथ उठा हुआ था जो कि मेरा था। यस, मैम ने पूछा, मैडम ये रोमांटिक एज का मतलब क्या, लड़का लड़की के बीच में रोमांस? कहकर मैंने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर इशारा करते हुए बोला, जो कि बहुत ही वल्गर था। जिस इशारे को देखकर सारे लड़के हंसने लगे। मैडम बोली, साइलेंस। नहीं नहीं, रोमांटिक एज का मतलब लड़का लड़की वाला रोमांस नहीं, बल्कि रोमांस विद नेचर। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, कल से समझ में आएगा जब से मैं क्लास लूंगी। इतना बोलकर वो चली गई ताकि कोई और दूसरा सवाल ना पूछ सके। इस क्लास के खत्म होते ही सारे लड़के बाहर की तरफ भागने लगे ताकि दूसरी क्लास ना लेनी पड़े, और सब बोल रहे थे, चलो चलो भागो 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 वरना वो आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि ये वो कौन था जिसके आने से सबको खौफ था, और लाइन में सारे के सारे क्लास से बाहर निकलने लगे। तभी जो आगे आगे वाला लड़का भाग रहा था वो बस दरवाजा पार करने ही वाला था, इतने में अचानक से स्लाइड मारकर 40-45 साल के गुरुजी सामने आकर खड़े हो और सबसे आगे वाले लड़के की छाती पर हाथ रख दिया। ऐसा सीन देखकर आगे आगे वाला लड़का डर गया। बड़ी सीधी सी बात है, कोई टीचर ऐसे स्लाइड मारकर सामने आके खड़ा हो जाएगा तो अच्छे खासे आदमी के गुर्दे मुंह में आ जाएंगे। जैसे ये लाइन में सारे के सारे बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही गुरुजी धकेल कर इन सबको अंदर ले आए लाइन में। गुरुजी के एक बाजू में बैग था, दूसरे बाजू में किताब थी। खादी का कुर्ता पहना हुआ था, मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था, बीच की मांग काढ़ी हुई थी, नीचे बेल बॉटम पैंट और 250 रुपए के जूते। कहाँ भाग रहे थे? गुरुजी ने अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, सर टॉयलेट। सबकी एक साथ आवाज आई, जिसे सुनकर गुरुजी थोड़ा हैरान होकर बोले, सबको एक साथ आइए। इन गुरुजी का नाम था भास्कर जोशी। जैसे ये दिखते थे वैसे ये थे सख्त मिजाज आदमी। इनकी क्लास खत्म होने के बाद मैं आशीष के साथ जाकर कैंटीन में बैठ गया और हम लोग बातें करने लगे। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।